بسم الله الرحمن الرحيم مسجد دار السلام تورنتو كندا Today is Sunday 3rd of November 2002 Now Mufti Saeed Shahab Damat Barakatuhu is addressing the student of Thorncliffe Park Mosque Madrasa at their year ending ceremony The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Shahib Damat Barakatuhu. भाई और बहनों आज हमारे इस मदरसे पे जो कुरान का जो शानदार प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया इससे आप सब हजरात महमूद हुए होंगे छोटे छोटे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे अपनी मेहनतों का निचोड़ आपके सामने पेश कर रहे थे आप हजरात बशौक तवज्जो से समाज फरमा रहे थे अल्लाह ताला इनके असातिज़ा को जज़ाए खैर अता फरमाए इनके जिम्मेदारान को अल्लाह ताला बेहतरीन सिला अता फरमाए कि उन हजरात की नसीबों से जरा जरा से बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आता वो अच्छी अच्छी बातें आप हजरात को और हमें सबको सुना कर गए अल्लाह ताला इन बच्चों को तरक्की अता फरमाए इन बच्चियों को भी अल्लाह ताला कामयाब फरमाए इस मौके पर बहुत सी बातें कहने को तो जी जाता है मगर वक्त भी अब ज्यादा नहीं रहा और असर की नमाज में ज्यादा दाखिल भी मुनासिब नहीं है इसलिए मुख्तसर तरीके पर एक सवाल का जवाब देना आम तौर पर लोग ये सवाल करते हैं ऐसे मुल्कों में जो गैर इस्लामी मुल्क यानी वहां इस्लामी हुकूमत नहीं जैसे हमारा हिंदुस्तान है आपका ये मुल्क है जहां गैर इस्लामी हुकूमत है वहां आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि जब हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हुए है स्कूल से लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक तमाम इंतजाम हैं तो फिर मुसलमानों को ये मदरसे क्यों चलाने पड़ते इन मदरसों में आखिर क्या सिखाते जब कोई उनको ठीक से जवाब नहीं देता तो ये समझते हैं कि इसमें टेररिज्म सिखाया है यही दहशतगर्द बनाया था इन मदरसों में ये छोटे छोटे बच्चे क्या बेचारे दहशतगर्द बन जाएंगे इसलिए एक सवाल है उसका जवाब हमारे जहनों के अंदर होना चाहिए माँ बाप के जहनों में होना चाहिए उसी से मदरसों की अहमियत का पता चले मेरे भाइयों आप हजरात सभी जानते हैं बहने भी इस बात को समझती हैं कि अल्लाह की जो मखलूक इस जमीन पर हमारे इल्म में अल्लाह की कितनी मखलूक है अल्लाह ही जानते हैं वला यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु अल्लाह की क्या क्या मखलूकात है अल्लाह जानते हैं मगर इस जमीन पर जो हमारी निगाहों के सामने अल्लाह की मखलूकात हैं उनमें इंसान एक कालम में है और दूसरी तमाम मखलूकात दूसरे कालम में दो कालमों में तकसीम अल्लाह ने इंसान को दो चीजें दी हैं दीगर हैवानात को एक ही चीज दी इंसान दीगर हैवानात को दुनिया की जरूरतें जिस्म और जिस्म को डील करने वाली स्पिरिट दी और इंसान को अल्लाह ने दो चीजें दी जिस्म दिया है जिस्म को डील करने वाली रूह दी है और उसके अलावा एक रूह रब्बानी अलग से दी ये रूह रब्बानी दीगर मखलूकात को नहीं मिली दीगर मखलूकात जब मैं बोलूं तो हमारी जमीन पर जो मखलूकात हमें नजर आती हैं जो मखलूकात हम जानते ही नहीं उनको उनकी बहस नहीं तो इंसान का ये इम्तियाज है कि अल्लाह ने उसे रूह और जिस्म दो चीजें दी ये जब रूह
रूह और जिस्म दो कहें तो ये रूह एक अलग टाइप की रूह है, जिसे अरबी में कहते हैं रूह रब्बानी, अल्लाह वाली रूह। और जिस्म बॉडी, उस बॉडी को डील करने वाली एक रूह अलग है। वो सभी जवानात को दी गई, जितने भी जानदार हैं उन सबको बॉडी दी है, तो बॉडी को डील करने वाली रूह भी दी। मगर इंसान को इसके साथ अल्लाह ताला ने एक दूसरी रूह भी दी है, जिसको आप रूह रब्बानी कहें, रूह इंसानी कहें, रूह आला कहें, यही इंसान का इम्तियाज है। और इसी रूह की बिना पर इंसान अशरफुल मखलूकात बना। पर जन्नत और जहन्नम जो अंजाम है वो इसी रूह की बुनियाद पर है। जिन हैवानात को ये रूह नहीं मिली उनके लिए जन्नत भी नहीं, जहन्नम भी नहीं। जिस्म और जिस्म से ताल्लुक रखने वाली रूह, जिस्म खत्म हो गया वो रूह भी खत्म हो जाएगी, एक न एक दिन उसे पूर्ण तोड़ावन हो जाना है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने एक अलग इम्तियाज दिया है। उसके बाद ये जानना चाहिए कि अल्लाह ने जो मखलूक पैदा की है और उस मखलूक को जो इनायतें उस पर फरमाई हैं और जो चीजें उसे बख्शिश फरमाई हैं, उनकी दुनिया की जरूरतें भी अल्लाह ताला ने मुहैया की। अगर अल्लाह ने एक मखलूक घास खाने वाली पैदा की है तो पहले जमीन पर घास पैदा कर दी है ताकि वो मखलूक पैदा होकर घास खाकर जिंदा रहे। ये नहीं है कि वो मखलूक पहले पैदा हुई, घास बाद में पैदा हुई, घास पहले पैदा है। एक मखलूक अल्लाह ने गोश्त को पैदा की है, वो गोश्त खाकर ही जिंदा रहती है, तो पहले उसके रिस्क के लिए वो चीजें, वो हैवानात भी पैदा किए जिसको वो पैदा होकर वो गोश्त खाकर जिंदा रहे। एक मखलूक अल्लाह ने पैदा की जो सिर्फ मिट्टी खाकर जिंदा रहती है, तो मिट्टी पहले पैदा की ताकि वो मखलूक पैदा होकर मिट्टी खाकर जिंदा रहे। तो अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की है उसकी जरूरत अल्लाह ने मुहैया की है। और अरबी में रब, उर्दू में परवरदिगार पालनहार, और अंग्रेजी में मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं। इस लफ्ज का जो रब है, इस रब का हम बोलते रहते हैं, लफ्ज बोलते रहते हैं, इसका मफहूम भी समझते। रब का मफहूम है जो किसी चीज को अदम से वजूद में लाए, यानी नेत से हस्त करे, यानी नथिंग को थिंग बनाए, फिर उसकी तमाम वजूद की जरूरतें, यानी मौजूद रहने की जितनी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें मुहैया करे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे तदरीज देकर इंक्रीज करके उसका जो आखिरी लेवल है कमाल का वहां तक पहुंचे। इतना काम करने वाली जो हस्ती वो रब कहलाती। तो जब अल्लाह ताला रब है, रब्बुल आलमीन है, सारी कायनात के रब हैं, और उन्होंने ही सारी मखलूकात पैदा की है, तो सारी मखलूकात का वजूद के लिए जो चीजें जरूरी है वो भी पैदा की है, और फिर हर मखलूक को तरक्की देकर उसके कमाल तक पहुंचा है। अल्लाह ताला परवरदिगार है, उनके अलावा कोई रब नहीं। जब अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीजें इनायत फरमाई हैं, तो दोनों का नज़्मो इंतजाम भी अल्लाह ताला ने कर रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में दावत इस्लाम लेकर पहुंचे और उसने पूछा कि मर रब्बुकुम या मूसा, तुम्हारा रब कौन है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सेंटेंस में तारुफ कराया, कहा रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, मेरा परवरदिगार वो है जिसने हर मखलूक को उसका वजूद दिया, उसकी बनावट दी और फिर उसकी गाइडेंस, उसको राह दिखाई, सुम्मा हदा। जब अल्लाह ने हर मखलूक को पैदा करके उसकी राह दिखाई है, तो दीगर हैवानात जिनके पास जिस्म और जिस्म को डील करने वाली रूह है उनको भी अल्लाह ने राह दिखाई है, उनको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना पड़ता। भैंस का बच्चा पैदा होते ही अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी जानता है, कबूतर का बच्चा पैदा होते ही उसे कैसे जिंदगी गुजारनी जानता है, किसने दिखलाया, अल्लाह ने दिखलाया। इंसान
अल्लाह ताला ने एक के बजाय दो चीजें दी हैं, एक की रहनुमाई तो इंसान को अकल दे दी, वाकिर यानी बहुत ज्यादा मिकदार में अल्लाह ने इंसान को अकल दी। अकल अल्लाह ने हर मखलूक को दी, कोई मखलूक अकल से खाली नहीं। और दीगर मखलूक जो अपनी जिंदगी गुजारने की राहें समझते हैं वो अपनी अकल से समझते हैं, मगर उनके पास थोड़ी सी अकल है। इसके मुकाबले में इंसान को बहुत बड़ी मिकदार में अल्लाह ताला ने अकल दी, लिहाजा वो भी दुनिया में जीने के तरीके अपनी अकल से समझे। दुनिया में आधी दुनिया ऐसी है, जंगलों में, पहाड़ों में, देहातों में, मालूम नहीं कहाँ पैदा होते हैं, पैदा होते वो भी पूरी जिंदगी गुजारते, उनको किसी स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ता, बगैर स्कूल में पढ़े हुए भी अपनी दुनिया की जिंदगी गुजारना जानते। हाँ, इतना फायदा है कि इस अक्ल को तेज किया जा सकता है, जानवरों की अक्लों को तेज नहीं किया जा सकता। जानवर भैंस की अक्ल जहां है वहीं रहेगी, उसे तुम कितना भी पढ़ाओ आगे नहीं बढ़े। अब बात जानवर ऐसे हैं कि उनकी अक्लें जरा बढ़ाई जा सकती है, तोते को थोड़ा सा पढ़ाया जा सकता है, कुत्तों को जरा सा पढ़ाया जा सकता है, मगर वो जरा। इसीलिए तमाम जानवरों की जो सिविलाइजेशन है, एक जीव तमद्दुन है, वो कहीं का नहीं है, जैसे जब से पैदा हुए आज तक वही है। उन्होंने अपनी तहजीब को जरा आगे नहीं बढ़ाया, क्यों? आगे बढ़ाने के लिए अकल चेंज करनी पड़ती, वो अकल उनकी चेंज नहीं हो सकती। और इंसान को जो अल्लाह ने अकल दी है, जो उसकी जिस्म की जरूरियात समझता है, उस अकल को भी चेंज किया जा सकता है, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटियों तक जो तालीम है वो इसी अकल को चेंज करने। और उस अकल के तेज होने से इंसान ने आसमान जमीन के डांडे मिला दी, उसकी परवाह चांद तक और कहां तक पहुंच गई, जमीन की तह में वो उतरने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान की जो अकल को तेज किया तालीम के जरिए से, उसके जरिए से इंसान ने तरक्की की, और इंसान की इंसानी तहजीब तरक्की करती करती वहां कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन एक दूसरी चीज जो अल्लाह ने इंसान को दी है, वो चीज दी है रूह रब्बानी, और यही दर हकीकत इंसान का कमाल है। और इसी अब रूह रब्बानी की बुनियाद पर आखिरत की जजा और सजा है। इस रूह रब्बानी की हिदायत के लिए अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर तक हर जमाने में जमानों की जरूरतों का लिहाज करके आसमान से हिदायत है, गाइडेंस नाजिल किया है, ये उसकी रूह को इंक्रीज कर दी। अगर वो कोई हिदायत नहीं जानता तब भी उसमें रूह रब्बानी है, मगर वो तरक्की नहीं करेगी, उसको तरक्की करने के लिए वही आसमान से आया हुआ गाइडेंस चाहिए, उसके जरिए से उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसकी तरक्की दी जाती है। और वो तरक्की करता करता इंसान कहां तक पहुंचता है, ये जो यूनिवर्सिटियों ने जिस अकल को तरक्की दी, वो अकल तो आसमान जमीन को मिला है और कहां तक जाए। और ये जब रूह रब्बानी की तरफ की होती है तो फिर उसको उसकी वसत इतनी हो जाती है कि सारी कायनात में उस इंसान की समाई नहीं होती, सारी कायनात उसके पीछे रह जाती है, और वो सातों आसमान से आगे परवाज कर जाता है, और जहां तक फरिश्ते साथ नहीं दे सकते उससे भी आगे वो इंसान निकल जाता है, जबकि उसकी उस रूह रब्बानी की को तरक्की दे दी जाए, उसको आगे बढ़ा दिया। अब जो मुल्क मुसलमानों के, उन मुसलमानों के मुल्क में उस हुकूमतों का ये फरीजा है कि वो दोनों तालीमें इंसान की जरूरत के वक्त दें, दुनिया की तालीम भी दें जिसे दुनिया की जरूरत है उसकी पूरी हो, और रूह की तरबियत के लिए जो तालीमें, दीनी तालीम, आप उसे दीनी तालीम कह दीजिए, ये दीनी तालीम भी दे कि जिससे एक मुसलमान मुसलमान जिए और तरक्की करे और आखिरत में जन्नत तक पहुंचे। ये दोनों तालीम देने की जिम्मेदारी इस्लामी हुकूमत। लेकिन जो गैर इस्लामी मुल्क है, जैसा कि ये मुल्क है हमारा हिंदुस्तान है, वहां हुकूमतों के जो हुकूमतें दीन इस्लाम को मानती ही नहीं, बल्कि दीन ही को मानती नहीं, वो जो भी तालीम देंगे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो भी तालीम देंगे वो तालीम दुनिया के
सिलसिले की देंगे, दुनिया में इंसान को कैसे जीना है, कैसे बढ़ना है, कैसे तरक्की करनी है, कैसे कामयाब होना है, कैसे कंप्लीट होना है, ये सब तालीम देंगे। इनकी तालीम तो उनकी जिम्मेदारी नहीं। इन मुल्कों के अंदर दीन की तालीम देने की जिम्मेदारी किसकी? ये मसला सबसे पहले आबिद गौर बना जब हिंदुस्तान पर गैर मुल्की ताकतों ने कब्जा किया। अब ये मसला उलमा के लिए काबिल गौर बना कि तो हुकूमतें अपने दुनिया की तालीम देंगे और दीन की तालीम के बगैर इंसान और इंसान नहीं मुसलमान, मुसलमान का कैसे कामयाब होगा, न दुनिया में कामयाब हो सकता न आखिरत में कामयाब हो सकता। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये नुक्ता समझा कि ये जिम्मेदारी हुकूमतों की थी। हुकूमत फंडिंग कहाँ करती थी, कहां से करती थी? हुकूमत के पास फंडिंग होती पब्लिक से। तो जब फंडिंग पब्लिक से होती है तो पब्लिक खुद भी ये इंतजाम कर सकती। आधा काम तो हमारा हुकूमतों ने कर दिया, दुनिया की तालीम तो हुकूमत दे रही है, हम उससे फारिग हो गए। अब आधी जो आधा काम हमारा रह गया था उसकी फंडिंग मुसलमानों से की जाए और ये आधा काम किए। ये आज से 150 साल पहले अल्लाह ताला ने ये बात उस जमाने के अकाबिर के दिमागों में डाली कि जो कुछ दीन का काम इस्लामी हुकूमतें कर रही थी वो इस्लामी हुकूमतें फंडिंग तो पब्लिक से करती थी और पब्लिक आज भी मुसलमान मौजूद है, लिहाजा मुसलमानों से फंडिंग करके ये आधा काम जो हमारे सर आ पड़ा है इस्लाम को निकलता है। मेरे भाइयों, जब तक ये नुकता नहीं समझ में आया था उससे पहले दो बड़ी बड़ी हुकूमतें तबाह हो गई। आप जरा जानते हैं ये रूस ने जो 5 हुकूमतें छोड़ दी हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये इस्लामी हुकूमतें थी और वहां नाम को गैर मुस्लिम नहीं थे। 80 साल में क्या सूरत हाल हो गई जाके देखो, अल्लाह का नाम जानने वाला थे क्यों ये नुकता वहां नहीं समझ में आया, लोगों के दिलों में नहीं डाला अल्लाह। इससे पहले की मिसाल स्पेन की मिसाल है, यहां 700 साल मुसलमानों ने करोड़ों भर के साथ हुकूमत की है। आज वहां देख कर आओ, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 मुल्क एक मुल्क थे जब इन पर गैर मुल्की ताकतों का कब्जा हुआ और वहां के बुजुर्गों के जहनों में अल्लाह पाक ने ये बात डाली और उन्होंने इस लाइन पर काम शुरू किया। आज तीनों मुल्कों का दौरा करके आओ, दीन की तालीम के एतबार से इस्लामी मुल्कों से ये 3 मुल्क आगे, मस्जिदों के क्याम के एतबार से, मदरसों के क्याम के एतबार से, दीन की तालीम के एतबार से, उलमा के एतबार से, दीनी माहौल के एतबार से, आम मुसलमानों में दीनदारी के एतबार से, आपको वो बात जो इस्लामी मुल्क कहलाने वाले मिस्र है, तुर्की है, इराक है, ईरान है, ये वगैरह जो इस्लामी मुल्क है, एक एक्सेप्शन कर लीजिए सऊदी अरब, उसके अलावा जितने इस्लामी मुल्क कहलाने वाले हैं आपको वो दीनी हालत के एतबार से वो बात उन मुल्कों में नहीं मिलेगी जो इन मुल्कों में थी, आज है। और अल्लाह ताला अगर अल्लाह ने तो फिर भी और तरक्की होगी। ये सिर्फ एक नुक्ता समझ में आ गया, इस नुक्ते के समझ में आने की वजह से आज ये सूरत हाल है। मेरे भाई, इस नुक्ते को समझाना इस वक्त का मकसूद है, ज्यादा गुफ्तगु नहीं करनी। कौम के हर फर्द, माँ बाप हो, कौम के जिम्मेदार हो या उलमा हो या आवाम हो, सबको ये नुक्ता समझना है कि ये आधी जिम्मेदारी हम पर, आधी जिम्मेदारी हुकूमत ने उठा रखी है। दुनिया की तालीम दे रहे, वो दुनिया की तालीम भी लेनी जरूरी है, मुसलमान को उस तालीम में पीछे नहीं रहना, वो तालीम भी लेनी जरूरी है। और उसके साथ ये आधी तालीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर आ रही है, इसको अच्छी तरह से निभाना है। माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चों को तालीम के लिए लाजमन भेजें, जैसे स्कूल हर बच्चे पर उनका जरूरी है कि हर बच्चे को वो स्कूल में लाएं। यहाँ तो कोई फोर्स नहीं, और जो माँ बाप करें, अपने माँ बाप अपने बच्चों का जहन बनाएं, समझाएं, इल्म दीन की रगबत दिलाएं, उसकी फजीलत बयान करें, जहन बनाएं और उनको, क्योंकि बच्चों पर डबल डर मर्डन,
वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, और बच्चा बेहरा बच्चा है, लिहाजा उसका जहन बना करके हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने किसी बच्चे को इल्म दीन से गाफिल जाहिल बेखबर न रखे, पहली जिम्मेदारी दीन की। फिर दूसरी जिम्मेदारी हर मुसलमान की, माँ बाप होने की हैसियत से नहीं, दूसरी जिम्मेदारी हर मुसलमान की ये है कि गाड़ी में तो पेट्रोल डालेंगे, जब भी गाड़ी चलेगी वैसे तो खड़ी की खड़ी रहेगी, लिहाजा पेट्रोल डालने के लिए भी हम ही को तैयार होना, और हम सबकी मुश्तरका मेहनत होगी, उलमा की, माँ बाप की, अवाम की, जिम्मेदारों की, सबकी मेहनत होगी, तो इंशाअल्लाह ये आधा शोबा हमारी जिम्मेदारी में आ गया है, अल्लाह की तौफीक से हम इसको पूरा करेंगे और हम अपने बच्चों को इस काबिल बना करके छोड़ेंगे कि कल हमारी आंख बंद हो जाए तो इस्लाम का नाम खत्म न हो जाए, बल्कि इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाले ये बच्चे हमारे कायम मकाम बन जाए। आखिर दावा गुरु शरीफ पढ़ी اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد جعلت من صلى وسلم يا إله العالمين ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں بلائی عطا فرما آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین اس مدرسے بچوں کو اس مدرسے کے بچوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما یا اللہ ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے نفوس کو تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما یا اللہ دین سے لگاؤ اور محبت ہمارے اندر پیدا فرما یا اللہ ہمارے مردوں کو اور ہمارے عورتوں کو دین کے تعلق سے جو ان پر ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد اور اس ادارہ اور اس مدرسے کے جو لوگ تعاون کرتے ہیں جس طرح سے بھی میرے مولا سب کو دنیا میں اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرما یا اللہ اس مجمع میں بہت سے مرد اور بہت سی بہنیں اپنے دلوں میں نیک ارمان رکھتی ہیں جذبات رکھتی ہیں میرے مولا سب کے دلوں کی حالت سے آپ واقف ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرمائیں میرے مولا ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جن کے سر پہ قرضے ہیں یا اللہ ان قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ